हर हर महादेव, जय माता दी। अगर आप भी इस कलयुग में एक ऐसे गुरु की तलाश में हैं जो आपकी नैया को भवसागर से पार लगा सके, ऐसे प्रभावशाली गुरु जो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करवा सके, ऐसे में वह गुरु कोई और नहीं हो सकता भगवान शिव के अलावा। माँ दुर्गा, माँ कालका के अर्धांग के रूप में, शिव शक्ति के रूप में आप जो है भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है सबसे पहले दिव्य ज्ञान, गुरु ज्ञान जो है भगवान शिव ने ही इस ब्रह्मांड को दिया था। ब्रह्म ऋषि और सप्त ऋषियों के माध्यम से इन ऋषियों ने ही पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान को फैलाया था। धर्म, योग और अन्य जो है ज्ञान की दिशाएं जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बना सके, इन सप्त ऋषियों के माध्यम से ही पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव ने फैलाई थी। ऐसे में अगर आप भी एक सच्चे गुरु की तलाश में हैं तो माता रानी के, माँ भगवती के अर्धांग भगवान शिव से बेहतर कोई नहीं होता। जहाँ भगवान शिव ने प्रेम, क्रोध, सामर्थ्य, तांडव की जगत गुरु के रूप में हम सभी को परिभाषा दी है, उनके व्यक्तित्व से हर एक चीज का, एक सवाल का, प्रत्येक चीज का जवाब जो है भगवान शिव से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भी किसी एक ऐसे गुरु की तलाश में हैं जो आपके जीवन की नैया को पार लगा सकता है, तो शिवरात्रि के दिन आप सभी को इस विधि से भगवान शिव को अपना गुरु बना लेना चाहिए। यह बहुत ही जो है एक अलग तरह का प्रभाव हमारे आध्यात्मिक मार्ग को धीरे धीरे आगे लेके जाता है। ऐसे में आप सभी को जो है गुरु, आप चाहे तो एक देहधारी गुरु होते हैं उन्हें भी अपना गुरु बना सकते हैं, उसके साथ ही इस ब्रह्मांड के पिता भगवान शिव को भी उनके साथ साथ अपने गुरु बना सकते हैं। ऐसे में आप सभी को कैसे गुरु बनाना है यह जान लीजिए। सबसे पहले जो है पूर्ण रूप से आप शिवरात्रि का व्रत करें तो उत्तम है, नहीं तो साधारण सी सरल विधि से कोई आसन इत्यादि का चुनाव कर लीजिए और उस पर बैठ जाइए। पूजन इत्यादि करने के बाद जो है आप सभी पूर्ण रूप से मन में छवि प्रभु के बना लीजिए। भगवान शिव का कोई भी रूप हो सकता है, उसे जो है मन मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बना लीजिए। एक जल का लोटा अपने पास में लेना है और हाथ में जो है, इस कार्य को आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आप अपने आप की शुद्धि तो आप सभी ने नहा धोकर कर ही ली है, उसके बाद जो है जल इत्यादि अपने हाथ में लेकर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भगवान शिव से जो है मन ही मन या मुख से आप निकाल कर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं अज्ञान हूँ, मैं नहीं जानती कि किस विधि से जो है गुरु को प्राप्त किया जाता है, आप अपना दिव्य ज्ञान मुझे दे और मैं अपने गुरु के रूप में आपका चुनाव कर रही हूँ, आप भी हे प्रभु मुझे अपना दिव्य ज्ञान प्राप्त कराए और जो है अपना शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करें। इस तरह से यह प्रक्रिया जो है मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, हे भगवान मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, 3 बार आप सभी को बोलना है। और यह जो आपने जल लिया है इसे जो है जमीन पर डाल देना है। इस जल को जो आपने लिया है इसे जो है भगवान शिव को अर्पित कर देना है। मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर कर दीजिए। यह जल जो है आप सभी को माध्यम बनाएगा भगवान शिव तक आपकी बात पहुँचाने का। इस तरह से यह 3 बार कहते हुए कि हे प्रभु मुझे अपना गुरु, मैं आपको गुरु बना रही हूँ, आप मुझे शिष्य बनाइए, कहते हुए हाथ जोड़ लीजिए और हाथ ऊपर करते हुए ब्रह्मांड की ओर भी यह 3 बार आप सभी को कहना है। रोज यह कार्य नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो है 1 बार जब आप अपना गुरु भगवान शिव को बना रहे हैं तब यह क्रिया आपको करनी होगी। इस तरह से प्रणाम करते हुए मन ही मन भगवान की छवि आपने बना रखी है तो आज से आपके जो है गुरु भगवान शिव हैं। इसके पश्चात जो है 1 माला आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की, जहाँ पर जिस आसन पर बैठे हैं वहीं पर जो है आपको जाप करना है। इसके बाद जो है आप चाहें तो भगवान श्री राम के नामों का भी 1 माला जाप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर आधारित है। इसके बाद जो है आपने गुरु मंत्र कौन सा लेना है भगवान शिव का, आपको गुरु मंत्र कोई सा भी ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय या भगवान शिव का कोई भी मंत्र हो उसे आप लेकर गुरु मंत्र के रूप में रोज जपना आरम्भ कर दीजिए। इस तरह से जो है रोज आपके ये भगवान शिव आपके जीवन की कोई भी दिशा हो, दशा हो, आप उनसे किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, आपके मन के अंदर खुद ही इन जवाबों का आपको उत्तर गुरु बनाने के बाद स्वयं ही आने लग जाएगा। यह विधि होती है शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गुरु बनाने की। चमत्कारी इसके प्रभाव होते हैं
और जीवन में इसका एक अद्भुत तरह का जो है, आप किसी भी सांसारिक माया या किसी से अपने दुख तकलीफ पीड़ा इत्यादि कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भगवान शिव से कहिए और धीरे धीरे देखिए आपके जीवन के कष्टों का निवारण होना निश्चित है। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। हर हर महादेव। जय माता दी।